हाउ टू स्टडी फिजिक्स इफेक्टिवली। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि हाउ टू स्टडी फिजिक्स इफेक्टिवली। एक्चुअली मैं आप लोगों के बहुत दिनों से कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आ रही थी कि अब मैं आपको फिजिक्स के ऊपर बताऊं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि हाउ टू स्टडी फिजिक्स इफेक्टिवली, किस तरीके से आप फिजिक्स को इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। देखिए, जिस भी क्लास की फिजिक्स हो, आप जहाँ भी हो, ये कुछ बेसिक मेथड्स हैं, चाहे आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने वाले हो, ट्वेल्थ क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हो, टेंथ क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हो, जो उनसे भी एग्ज़ाम है आपके, फिजिक्स के एग्ज़ाम में ये टिप्स आपके लिए काफ़ी अच्छी काम करेंगी। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। है दोस्तों, मैं हूँ हर्षित और आप देख रहे हैं हरुष टीवी। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी क्वालिटी हेल्प वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए नज़र डालते हैं अपनी सबसे पहले टिप पर। तो जो हमारी सबसे पहली टिप है वो है डू ईच एंड एवरी डेरिवेशन थोरोली। जो भी आपकी फिजिक्स में डेरिवेशंस हैं उनको आपको सारी करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, और थोरोली करनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, जहाँ तक बात होती है फिजिक्स के एग्ज़ाम की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिजिक्स में वो है डेरिवेशंस, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी बड़ी बड़ी डेरिवेशन होती हैं, और अगर आपका मकसद सबसे पहले पास होना है तो डेरिवेशंस ही होती हैं जो ज़्यादा मार्क्स की आती हैं और आपको पास कराती हैं। डेरिवेशन करने के आपको दो फायदे हो जाते हैं, एक तो सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती हैं ये, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस में से भी कुछ क्वेश्चन डेरिवेशन के आते हैं, और दूसरी बात है अगर आप हर डेरिवेशन को अच्छे से कर लेते हैं तो जो न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिक्स में उनको भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, सिर्फ डेरिवेशन को आपको रटना नहीं है, डेरिवेशन को अच्छे से समझना है और कम से कम 3-4 बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। डेरिवेशन के साथ साथ आप डायग्राम की भी प्रैक्टिस करें जो डायग्राम दे रखा हो डेरिवेशन में, क्योंकि उसी से वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और कोशिश करें कि अगर आप डेरिवेशन बना के डायग्राम बनाएं और कुछ एग्जाम्पल भी दे पाएँ तो वो और अच्छा रहेगा आपके लिए। फिजिक्स के एग्ज़ाम में डेरिवेशंस का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेरिवेशन में एक तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने डेरिवेशन को अच्छे से समझा होगा। तो सबसे पहली टिप है डू ईच एंड एवरी डेरिवेशन थोरोली। इसके बाद गाइस, जो हमारी नेक्स्ट टिप है फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए वो है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल फार्मूलाज। आपको क्या करना है, जितने भी फॉर्मूले हैं फिजिक्स में, काफ़ी सारे फॉर्मूलेज होते हैं हमारे, उनकी लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बना करके उनको दीवारों पे चिपका दीजिए, आपके रूम जो है उसके अंदर लिस्ट बनाइए, लिखिए फॉर्मूलेज को, उनको दीवारों पे चिपकाइए। अब देखिए उसमें होगा क्या, आप मान लीजिए थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, लेट करके कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो भी आपकी नज़र उन पर पड़ती रहेगी फॉर्मूलेज पर। आप घर से बाहर गए, बाहर से अंदर आए रूम में अपने, और फिर से आते ही एकदम फॉर्मूले पर नज़र पड़ेगी। आप कुछ बैठे हैं तो भी फॉर्मूले पर नज़र पड़ेगी। मतलब ऐसी जगह लगाइए फॉर्मूलेज को, इस तरीके से लगाइए कि आपको बार 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 वो दिखे, तो उससे होगा ये कि जो आपके फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद रहेंगे। नहीं तो जनरली होता ये है कि हम फिजिक्स में फॉर्मूलेज भूल जाते हैं, एक बार मान लीजिए हमने आज उसको पढ़ा तो एक दो दिन बाद हम उसको भूल जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो उसको सॉल्यूशन सबसे बेस्ट यही है कि आप जो है दीवारों पे चिपका दें फॉर्मूलेज बना के, लिख के पेपर पे। उससे होगा ये कि बार बार जैसे आपकी नज़र बढ़ेगी तो आपके माइंड जो है, माइंड के अंदर वो फॉर्मूलेज जाएंगे और फाइनली वो आपको याद रहेंगे। तो गाइज, मेक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज एंड स्टिक देम ऑन दी वॉल। इसके बाद गाइज, जो हमारी नेक्स्ट टिप है, अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर फिजिक्स क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स फ्रॉम देम। देखिए, आपको क्या करना है, आपके जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ट्राई करने हैं। एक्चुअली में आपको करना क्या है, पिछले 5 साल के पेपर उठा लीजिए और उनमें जो क्वेश्चंस दे रखे हों उनको देखिए। अब आपको करना ये नहीं है कि आप उन क्वेश्चंस को रटने लग जाएं, नहीं, ना ही आपको उन क्वेश्चन को रटना है, ना ही आपको उन क्वेश्चन को करना है। आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, आपको उन कॉन्सेप्ट्स को पक्का करना है। 5 साल के पेपर में जो जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको पक्का कीजिए। क्योंकि देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो कभी भी, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, बहुत कम चांसेस हैं कि वो सेम क्वेश्चन रिपीट होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो पहले आए हुए क्वेश्चंस हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट लगा है वो ज़रूर कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है आपको, जो कहा जाता है पिछले साल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, पिछले साल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर करें। वो इसलिए नहीं कहा जाता कि सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, लोग सोचते हैं कि सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर जब आते नहीं है पेपर में तो कहते हैं यार वो तो आए नहीं। एक्चुअली में आपको जो उसमें कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या कॉन्सेप्ट लगा, वो कॉन्सेप्ट आपको करना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को पक्का करना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कर देंगे। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनके जो कॉन्सेप्ट हैं
उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो है स्टार्ट विथ सैम्पल पेपर्स क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज सैम्पल पेपर्स जो भी हो आपकी निश में, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जो भी आपका बोर्ड हो, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट सैम्पल पेपर आते हैं वो पता कीजिए, पढ़ने वाले बच्चों से पता कीजिए, टीचर से रिकमेंडेशन लीजिए, और उनके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हों उनमें मार्क्स वाइज भी क्वेश्चन होते हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए सॉल्व करने की। उसमें अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व भी किए होते हैं, डेरिवेशन वगैरह सब दी होती है। अगर आपके पास नोट्स भी ना हो तो बेस्ट तरीका है आप सैम्पल पेपर वगैरह उठा लीजिए कोई बढ़िया से, उनके अंदर जहाँ नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट होते हैं, उनको पढ़िए, उससे आपको पता चलेगा क्या चीज़ ज़्यादा मार्क्स की आती है। तो पहले आप सैम्पल पेपर से ट्राई कीजिए और सैम्पल पेपर्स को अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि देखिए सैम्पल पेपर्स काफ़ी अच्छे होते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम में। अगर आप एक अच्छा किसी कंपनी का कोई अच्छा सैम्पल पेपर उठाते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने टीचर से या फिर अपने फ्रेंड से जो कि अच्छे खासे पढ़ने में हो उनसे पता लगाइए, वही आपको बता पाएंगे। ऐसे पर्टिकुलरली मैं या कोई भी एक आदमी अलग अलग बोर्ड्स का अलग अलग सब्जेक्ट का सब बच्चों को नहीं बता सकता, आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप पता कीजिए, ये आपका काम है। और उन सैम्पल पेपर्स में से कोशिश कीजिए सबसे पहले ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, फिर उससे कम मार्क्स के, मतलब कुल मिला के उसमें से आपको मेन मेन चीज़ मिल जाएंगी, तो उनको बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए, पक्का कीजिए। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है ट्राई एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। जो आपकी एनसीईआरटी बुक होती है ना, जैसे सीबीएसई बोर्ड की मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड में मुझे पता है एनसीईआरटी होती है जो मेन बुक होती है, उसके अलावा हम बहुत सारी सपोर्टिव बुक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारा कोर होती है, कोर बुक होती है जो मेन होती है वो है एनसीईआरटी। इसी तरीके से आपका जो बोर्ड हो, चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, इंटरनेशनल बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें भी कोई ना कोई एक मेन बुक होगी जो कि आपको मेन रहती होगी, जो आपकी कोर बुक होगी, जैसे सीबीएसई में एनसीईआरटी है, तो उस बुक में जो एग्जांपल्स दिए हों सबसे पहले उनको ट्राई कीजिए। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो उस बुक के जो एग्जांपल्स हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक तो उन एग्जांपल्स में से आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में, और दूसरी बात यह है कि एग्जांपल से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो एग्जांपल ज़रूर करें, अगर एग्जांपल करने के बाद टाइम बचता है तो उनके पीछे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए होते हैं वो भी करें, अदरवाइज एग्जांपल तो आपको ज़रूर ही करने चाहिए। अगली हमारी टिप है टेस्ट योरसेल्फ। आपको अपने आप को टाइम टाइम पे टेस्ट करते रहना चाहिए। जैसे कि आपने मान लीजिए टॉपिक्स पढ़े, डेरिवेशंस करी, रिविज़न किया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह बैठ के 3 घंटे में लिख के प्रैक्टिस करेंगे या टेस्ट करेंगे कि भाई मैंने देखूँ कितना याद है। नहीं, टेस्ट आपको किस तरीके से करना है, मान लीजिए आप रास्ते में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने जो डेरिवेशन पढ़ी थी आप शांति से बैठ जाइए और अपने दिमाग में सोचिए कि कैसे कैसे था, क्या क्या स्टेप थी, मतलब आप माइंड में ही मेमोराइज करते जा रहे हैं कि जो मैंने पढ़ा था उसमें क्या था। ये बेस्ट टेक्निक होती है, आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आप कहीं बैठे हो, आप अगर रेस्ट कर रहे हो थोड़ी देर के लिए, आप मान लीजिए लेट जाएं और लेट करके मेमोराइज करें कि मैंने किस तरीके से लिखा था, किस तरीके से सॉल्व की थी, तो आपको टाइम टाइम पर अपने आप को टेस्ट करता रहना होगा, जिससे कि आपको ये याद भी रहेगी और एक तरह से आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है किसी भी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक अगर आप याद रखना चाहते हो तो यही तरीका है। आप शांति से लेट जाइए या फिर मान लीजिए आप ट्रैवल करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते हुए सुबह अगर आप जिस भी चीज़ में, बस, ऑटो, बाइक, जैसे भी आप जाते हो, आप दिमाग में अपने मेमोराइज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज़ से जाते हैं, मान लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह का यूज़ करके, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं तो शांति से सीट पर बैठिए और अपने दिमाग में मेमोराइज़ कीजिए कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टाइम बचेगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है स्टडी विद समवन एल्स। आप देखिए क्या कीजिए, अगर आपको पता है कि मेरी फिजिक्स वीक है तो सबसे बेस्ट तरीका अब आपके पास क्या है, वो ये कि अपना कोई ऐसा फ्रेंड या फिर कोई एक दो फ्रेंड का ग्रुप ऐसा बना लीजिए अपना, जिसमें कि एक बंदा एटलीस्ट ऐसा हो जिसकी फिजिक्स अच्छी हो, जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग हो। अब देखिए ये मैं नहीं कर सकता, ये आप ही करेंगे, आप ही अपने किसी फ्रेंड को ढूंढेंगे जिसकी फिजिक्स अच्छी हो, तो उसके साथ अगर आप बैठ के पढ़ेंगे तो उसके आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। एक तो वो आपको समझाएगा, देखिए उसका तो फ़ायदा होने ही वाला है क्योंकि उसने चीज़ें पढ़ रखी है, वो जितना आपको समझाएगा उसके लिए उतनी अच्छी होती जाएंगी, और आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो अगर आप ग्रुप्स में पढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली फिजिक्स में, और मैथ्स में टेक्निक बहुत ही अच्छी काम आती है, क्योंकि देखिए फिजिक्स में भी डेरिवेशंस काफ़ी होती हैं, उनको समझना होता है। डेरिवेशंस रूट हैं बिल्कुल, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनका भी, और जो ज़्यादा मार्क्स में डेरिवेशन आती हैं वो तो खैर है। तो गाइस बस यही थी हमारी कुछ टेक्निक्स जिनकी हेल्प से आप कर सकते हैं फिजिक्स की स्टडी इफेक्टिवली।
किसी भी चीज़ में आप चाहे कौन सी भी कोई सी भी क्लास में आपके चाहे बोर्ड्स के एग्जाम हो, इनकी हेल्प से आप फिजिक्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना और यार इस वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स तक, जिससे उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें। कुछ ज़रा सा भी लगता है कि इस वीडियो से आपकी स्टडी में कुछ हेल्प हुई है या हेल्प हो सकती है तो उस वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही और वीडियोज़ आने वाले टाइम में आपको मिलती रहें जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।